जय श्री राम बच्चों, मैं अशोक सिसोदिया कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 7। पिछली वीडियो में अपन ने प्रश्नमाला 6 कंप्लीट कर ली है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको प्रश्नमाला 5 और 6 मिल सके। तो आज हम पढ़ते हैं प्रश्नमाला 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इसमें अपने पास सारी की सारी सर्वसमीकरण काम आएंगी। अब ये आपके सामने इस सारणी बनी हुई है, देखिए ध्यान से। इस सारणी का मतलब क्या है, यहाँ पर भी देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक आ रहा है, इधर भी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक दे रखा है। इस सारणी का मतलब क्या है यह अपन पूरा पहले समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ कैसे क्या होते हैं। जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला है साइन थीटा, इसको बोलते हैं 1/cosec थीटा। सेकंड फॉर्मूला हो कोस थीटा, इसको बोलते हैं 1/sec थीटा। तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा को बोलते हैं साइन बटे कोस, या फिर बोलते हैं 1/cot थीटा। चौथा है कोट थीटा का फॉर्मूला कोस बटे साइन, और या फिर बोलते हैं अपन 1/tan थीटा। क्या बोलेंगे, 1/tan थीटा। पांचवें नंबर का फॉर्मूला है सेक थीटा, इसको बोलेंगे 1/cos थीटा। छठे नंबर का आता है कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला है 1/sin थीटा। तो देखो ये 6 के 6 फॉर्मूले इस सर्वसमीका में अपने को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब ये देखो क्या, और इसके बाद और फॉर्मूले हैं, जैसे 7वें नंबर का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। नवा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ध्यान से देखना, ये 9-10 फॉर्मूले जितने भी हैं ये अपने इससे पूरी सारणी में काम आएंगे, और इस सर्वसमीका वाली प्रश्नावली प्रश्नमाला 7 इन्हीं पे टिकी हुई है। ये जब तक याद है अपने पूरे प्रश्नमाला को अपन हल कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनको बदलना है किसमें, आपको दिया जाए साइन थीटा को बदलिए साइन थीटा में ही, तो खुद साइन थीटा रहेगा। साइन को कहा जाए कि साइन को बदलिए किसमें, कोस के पदों में। तो ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्रश्न रहेगा साइन थीटा, ये कहेगा साइन थीटा को आप चेंज कीजिए किसमें, कोस थीटा में, साइन थीटा को कोस थीटा में बदलिए। ये 1 नंबर का प्रश्न आता है। अभी कैसे बदलते हैं, देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, साइन का ऐसा फॉर्मूला जिसमें कोस आ रखा हो, इसमें कोस नहीं आ रहा, इसमें आ रखा है कोस, ये रहा। तो क्या करेंगे, क्या दे रखा अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या करते हैं, कोस स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन गया। स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर से क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, इधर स्क्वायर हटाया तो क्या लग गया, वर्गमूल। तो देखो ये कहीं आ गया, क्या आया, साइन थीटा को कोस में बदला तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आया। यदि आपको टेन में चेंज करवाता है, साइन को टेन में चेंज करे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो ये सारणी जो मैंने बनाई है ये केवल पदों में व्यक्त करना, इसमें आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसको याद रख सकते हैं, याद नहीं रख सकते तो इन केवल 9 फॉर्मूलों को याद रख लेना। इन 9 फॉर्मूलों के उपयोग से ये सारी की सारी सारणी अपने पास कंप्लीट हो जाएगी। देखिए जैसे अपने पास 1 मान आपने याद रख लिया, ठीक है, 1 मान याद रखा, तो ध्यान से देखिए जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का विपरीत होता है, जो कोसेक थीटा होगा वो साइन का विपरीत होगा। विपरीत का मतलब उल्टा कर दो, इसका उल्टा किया 1/, इसका उल्टा किया ये हो गया, इसका उल्टा किया ये, इसका विपरीत ये और इसका ये हो गया, साइन का काम खत्म। अगर आपके पास कोस का मान है
दो मान आपको तीन मान निकालने पड़ेंगे बस, तीन के बाद तीन मान आपके पास कंप्लीट जो कहते हो आ जाएंगे। बस एक शर्त है कि ये अपने पास जब तक नौ सूत्र अपने को याद है तब तक अपन सातवीं प्रश्नावली पूरी हल कर देंगे। तो ध्यान से देखना, इसको ध्यान से उतारें और इन सूत्रों को भी उतारिए उतारिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये अपनी सारणी इन सूत्रों पर टिकी हुई है, और ये सूत्र क्या थे, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा था ये। देखिए अब क्या करते हैं आगे, अब आगे चलते हैं सारणी के अलावा। प्रश्न हमारा 7.1 स्टार्ट करेंगे अपन, पहले सूत्रों को समझेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपन सवाल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जैसे अपने पास फॉर्मूले मैंने लिखवाए कुछ, देखो जैसे ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। इसी से अपन काफी फॉर्मूले बना सकते हैं, और सीधा अपन फॉर्मूले रखेंगे सीधे काम आ जाएंगे। देखो क्या करेंगे अपन, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पक्षांतरण कर दिया, स्क्वायर हटाऊंगा यहां से, यहां लग जाएगा अंडर रूट वन माइनस ए कोस थीटा। बताओ सही है ना। अब देखो ये साइन को तो बदल दिया, स्क्वायर हटा दिया यहां से, अब मैं कोस का करता हूं ऐसे ही, तो कोस थीटा की जगह क्या रख सकता हूं, वन माइनस साइन ए स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सेम कंडीशन, ऐसा ही मेरे पास फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक है, तो मैं इसको ले सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा, पक्षांतरण किया प्लस माइनस का उधर प्लस हो गया, या इसको ये ले सकता हूं सेक थीटा बराबर अंडर रूट वन प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा, या यदि आपको टेन का पूछा जाए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए वन, और स्क्वायर हटा तो क्या लग जाएगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का वर्गमूल। तीसरा मैंने आपको लिखवाया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। इसमें यदि आपको पूछा जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, पक्षांतरण कर दिया, स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या लग जाएगा अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में एक, स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया वर्गमूल लग गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक। ये देखो एक फॉर्मूले से अपने पास काफी फॉर्मूले आ गए, पांच पांच फॉर्मूले आ गए अपने पास लगभग, तो 15 फॉर्मूले हैं, सीधा आप इनका यूज कर सकते हैं। यदि आपको टेन को पूछा जाए कि टेन को सेक के पदों में बदलिए तो सीधा आप इन सूत्रों की बजाय सीधा ले सकते हो टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए वन, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये 5, 10, 15 फॉर्मूले हो गए अपने पास, यही अपने पास मोस्ट काम आने वाले हैं। अब देखो आगे जैसे आपको पूछा जाए, छोटा सा है जैसे आपको दे दिया जाए बिल्कुल सीधा, क्या आपको सीधा दिया जाए कि सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। देखा आपको दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करो एक होता है, ये आपको सिद्ध करवा ले सीधा कि बताओ ये कैसे होता है। तो ध्यान से देखना, अपन एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है, ये ए ये बी और ये क्या है सी। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण समकोण हो, ये लंब हो गया और ये नीचे कौन सा हो गया आधार, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। लंब कितना है ए बी, और बी सी क्या है आधार, और ए सी क्या है मेरे पास कर्ण है।
तो देखिए ध्यान से, मेरे पास एक बोधायन प्रमेय है। कौन सी प्रमेय होती है? बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, यह प्रमेय मेरे पास है। तो ध्यान से देखना, कर्ण मेरे पास कितना है? एसी है। कर्ण मेरे पास कितना है? एसी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? बीसी का स्क्वायर और प्लस लंब कितना है? एबी का स्क्वायर। अपने को सिद्ध करना है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक लाना है। समकोण त्रिभुज की अपन ने सहायता ली और बोधायन प्रमेय लगाया। उसके बाद अब देखो, यहां लाना है मेरे को एक और इधर आ जाएगा साइन और कोस। तो ये बन गया मेरे पास एसी स्क्वायर, इधर बीसी स्क्वायर और इधर क्या है? एबी का स्क्वायर। यदि मैं तीनों पक्षों में दोनों पक्षों में एसी स्क्वायर का भाग देने पर, दोनों पक्षों में एसी स्क्वायर का भाग देंगे तो इधर भाग दिया एसी स्क्वायर आ गया, इधर भाग दिया तो बीसी बटा एसी का होल स्क्वायर बन गया, इधर भाग दिया एबी बटा एसी का होल स्क्वायर बन गया। तो एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया? एक। ये क्या है? बीसी बटा एसी। बीसी मेरे पास क्या है? आधार। और एसी मेरे पास क्या है? लंब। तो ये आधार बटा लंब है और आधार बटा लंब को बोलते हैं कोस थीटा। कैसे? देखो, अपने पास एक फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। ये होता है साइन का, ये होता है कोस का और ये वाला होता है किसका? टेन का। तो सीधा लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्णे, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्णे और टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार और कोट थीटा बराबर आधार बटे में लंबे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार और कोसेक थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास? कर्ण बटे में लंब। ये छह फॉर्मूले अपने पास ध्यान रखने के लिए। या तो आप लाल बटे कक्का को याद रख सकते हो। कैसे? ये साइन, ये कोस, ये टेन, उल्टा करोगे वापस ये कोट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, ये कोसेक हो जाएगा, ये सारे मान आ गए। अब ध्यान से देखना, ये बीसी और एसी, बीसी क्या है मेरे पास? आधार। एसी क्या है मेरे पास? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण को क्या लिखेंगे? कोस। तो मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी बटा ए सी। ए बी क्या है मेरे पास? लंब है। ए सी क्या है मेरे पास? कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण उसको क्या बोलते हैं? साइन। और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपका ये सिद्ध हो गया। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया? एक। ध्यान रखना सेकेंड फॉर्मूला क्या है मेरे पास? जैसे ये है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में एक। यह इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखना। और एक तीसरा फॉर्मूला क्या है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर एक, या cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये दोनों भी इसी से आएंगे। ध्यान से देखना, मैंने भाग किसका दिया है? इधर पहले एसी का दिया है, दोनों पक्षों में किसका दिया है? एसी स्क्वायर का। अब यदि मैं एसी स्क्वायर की जगह बीसी स्क्वायर का दोनों तीनों तरफ भाग दे लूं, तीनों के नीचे भाग दे लूं, तो यहां क्या आएगा? बीसी स्क्वायर। यहां भी मेरे पास क्या आ जाएगा? एसी स्क्वायर बटा बीसी स्क्वायर। ये बच जाएगा एक और ये बच जाएगा ए बी स्क्वायर बटा में बीसी का स्क्वायर। ये एक इसलिए बचेगा, मैं भाग किसका दे रहा हूं अब इसकी जगह? बीसी का। तो ध्यान से देखो, एसी बटा बीसी। एसी क्या है मेरे पास? कर्ण है। बीसी क्या है मेरे पास? आधार। कर्ण बटे आधार को क्या बोलते हैं? सेक। सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा इसकी जगह और बराबर एक प्लस ए बी बटा बीसी। ए बी बटा बीसी। ए बी क्या है मेरे पास? लंब। और बीसी क्या है मेरे पास? आधार। लंब बटे आधार को क्या बोलते हैं? टेन। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी आ गया मेरे पास, आपको सिद्ध करवा सकता है। तीसरा क्या है? ये वाला। अब मैंने ए सी का भाग दे लिया, बीसी का भाग दे लिया, अब मैं भाग देता हूं किसका? ए बी का, दोनों पक्षों में। तो इधर ए बी का दिया तो ए सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर।
इधर ए बी का दिया बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर, और इधर ए बी का दिया तो कितना आ गया, एक आ गया। अब देखो ए सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर, ए सी बटा ए बी, ए सी क्या है कर्ण, ए बी क्या है लंब, कर्ण बटा लंब क्या होता है कोसेक, तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा बी सी स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर, बी सी बटा ए बी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या है कोट, स्क्वायर के कारण मैंने भी क्या लगा दिया स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया वन, ये लास्ट फॉर्मूला भी अपने पास सिद्ध हो गया। तो केवल तीन फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। इन तीनों फॉर्मूलों को अपन इस समकोण त्रिभुज की सहायता से इसको सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण योजना तो देखिए बच्चों, ये सिद्ध करने का मैटर अपना खत्म हो गया। तीन फॉर्मूले लिखवाए मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, एक फॉर्मूला ये रहा और एक फॉर्मूला ये रहा। तीनों फॉर्मूलों को अपन आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपको ये फॉर्मूला सिद्ध करवाए तो पहले आपका ये आएगा, ये आ गया, आप क्या करोगे पक्षांतरण, इसका पक्षांतरण किया तो बराबर में क्या बच जाएगा एक, सेम फॉर्मूला ये का ये आ जाएगा। अब करते हैं अपन प्रश्न वाला 7.1 की तरफ चलते हैं, देखो क्या कहती है वो प्रश्न वाला 7.1। तो देखिए बच्चों, प्रश्न हमारा 7.1 है, इसका पहला प्रश्न है कि कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में बदलिए। तो देखो जैसे अपने पास कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और सेक साइन कोस टेन कोट सेक और ये हो गया कौन सा कोसेक थीटा, इन सबको बदलना है किसमें सेक थीटा में। तो देखो बच्चों, मैंने आपको सारणी करवाई है अभी सबसे फर्स्ट में, इधर लिख रहा होगा इधर ऐसे साइन कोस और इधर जा रहा है साइन कोस टेन ऐसा कुछ लिख रहा है ना, तो देखो इन सबको सेक वाली सारणी का उतारना ऐसे कैसे, यानी कि साइन को बदलना है किसमें सेक में, तो सेक थीटा जो आई है मेरे पास यहां पर उसके नीचे जितने मान आएंगे उन सबको व्यक्त करना है। अब करते कैसे हैं ये देखते हैं अपन, एक दो अपन करके देख लेते हैं। देखो पहला लिया मैं साइन थीटा, इसको बदलना है मुझे किसमें सेक में बदलना है, किसमें बदलना है सेक थीटा में बदलना है। अब मैं कोई फॉर्मूले लाऊंगा, अब फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए 9-10 फॉर्मूले लिखवाए, उन्हीं में से काम हो जाएगा। देखो अपन कैसे करते हैं, सेक में लाना है और सेक जो होता है वो लिखा जाता है कोस का उल्टा, ठीक है वन बटा ए कोस थीटा लिखते हैं उसको, क्या लिखते हैं वन बाई कोस थीटा। लेकिन अब देखो मैं इसको लिखता हूं, चूंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है एक, मैं इसको ये लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने कोस को बदल दिया, चूंकि कोस थीटा बराबर होता है एक बटा सेक थीटा, तो क्या करते हैं साइन थीटा बराबर एक माइनस इसकी जगह लिख दिया एक बटे सेक थीटा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, नीचे एक लगाया लघुतम लिया कितना आ गया सेक स्क्वायर थीटा, इधर चला गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ये इसका आपका बदला हुआ फॉर्मूला आ गया। यह इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का अंडररूट किया कितना हो गया सेक थीटा, ये अपना आंसर आ गया। तो क्या किया अपन ने, सेक थीटा को बदलना था, सॉरी साइन थीटा को बदलना था किसमें सेक थीटा में, ये अपन ने साइन थीटा को चेंज किया, चेंज करते करते गए लास्ट में एक ऐसा पद आ गया जो पूरा ही सेक थीटा में बदल गया।
तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये सातवीं प्रश्न वाला कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल है। इससे सरल तरीका अपन कहीं नहीं समझेंगे। जो सारणी मैंने आपको करवाई है उस सारणी को अच्छे से समझना और इन सूत्रों को अच्छे से याद करना, ताकि अपने पास पदों में व्यक्त करना आ जाए। कोस को यदि आपको सेक में चेंज करना है तो फॉर्मूला सीधा लिख रहा है, मैंने आपको लिखवाया था सेकंड नंबर का फॉर्मूला। कोस को बोलते हैं 1/ sec थीटा, हो गया ना sec थीटा में। ये कोई जरूरी नहीं है कि अंश और हर दोनों में sec आए, कहीं भी sec आ सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी अनुपात नहीं मिलेगा आपको, उसके अलावा आपको कोई भी अनुपात नहीं मिलेगा। ये हो गया पहले प्रश्न का मैटर। सेकंड नंबर है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सेक टेन और को कोट में बदलिए, साइन सेक और कोट को टेन को, इन तीनों को किस में बदलना है, कोट में बदलना है। तो ये सेम फॉर्मूले सारे काम देंगे, उन फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। जैसे ये है, साइन थीटा को किस में बदलना है, कोट में बदलना है। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला है, साइन को कोट में बदलना है, और कोट का फॉर्मूला अभी कुछ नहीं पता कि साइन का कैसा क्या फॉर्मूला लगाए जो कोट में आ जाए। देखो मेरे पास क्या है, मैं लिख सकता हूं साइन को 1/ कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का सीधा मैंने फॉर्मूला लिखवाया क्या, √1 कोट स्क्वायर थीटा। बदला कि नहीं बदला, ये हो गया। बस फॉर्मूलों का खेल है, फॉर्मूले लगाओ और इन सबको आपस में व्यक्त कीजिए, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये तो देखो बच्चों एक एक नंबर का मैटर मैंने अभी तक क्लियर किया है प्रश्न वाला साथ में। अब आते हैं बड़े सवाल, सिद्ध करने वाले, प्रूव करो इनको। तो देखिए कैसे करते हैं अपन सिद्ध। देखिए प्रश्न वाला 7.1 का तीसरा सवाल है और यहां से शुरू होंगे अपने पास प्रश्न सारे। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए, सारे के सारे सवाल अपने को सिद्ध करने हैं। कैसे सिद्ध होंगे ये अपन देखते हैं। जैसे अपने पास नंबर 3 क्वेश्चन आता है, क्या सिद्ध करवा रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर में लाना है मेरे को कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो बच्चों, थोड़ा सा अपन विशेष ध्यान देंगे कि ये कैसे परिवर्तन होंगे, कैसे क्या सिद्ध होंगे इस पूरी प्रश्नवाला में। पूरी कक्षा 10 की गणित की किताब में त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान से समझना। यहां पर क्या करते हैं अपन, सबसे छोटी इकाई साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इन छह में सबसे छोटी इकाई अपनी याद रखनी है, साइन और कोस में बदलना है। किस में बदलना है, साइन और कोस में। जितने भी आप सवाल सिद्ध करो इन सबको परिवर्तन कीजिए किस में, केवल साइन और कोस में, फिर उसके बाद अपन हल करते जाएंगे। पर लेकिन यहाँ पर पहले ध्यान देना है, यदि बड़ा कोष्टक आ रहा है तो पहले कोष्टक को हल करेंगे, कोई सा भी कोष्टक आ रहा है, या पहले कोई बटे में आ रहा है पहले उसको हल करेंगे, कॉमन लेना आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, बाद में अपन सब राशियों को साइन कोस में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखो हल करते हैं, सबसे सरल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, LHS लिया मैंने, LHS लिया है क्या, कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रखा है, मेरे पास कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया एक और यहाँ बच गया मेरे पास कोट स्क्वायर थीटा। अब मैंने LHS हल करना शुरू कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा छोटी राशि है मेरे पास, मान लिया ये लो। अब 1 कोट स्क्वायर थीटा को अपन बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने पास फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है। अब देखो क्या करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा गुणा है बीच में, कोसेक थीटा को मैंने लिखवाया सवा सूत्र नंबर 6, इसको लिखवाया 1/ साइन थीटा, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है स्क्वायर, मैंने क्या लगा दिया स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, कोस स्क्वायर थीटा 1/ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस थीटा 1/ साइन थीटा का मतलब होता है कोट थीटा, क्या मतलब होता है कोट थीटा होता है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, मैंने भी स्क्वायर लगा दिया, बराबर में क्या आ गया
आर एच एस। ये पहला सवाल अपना कंप्लीट है। ऐसे ही अब सारे सवाल अपन सिद्ध कर लेंगे। देखिए सवाल नंबर दो क्या आता है, सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल नंबर चार है, बिल्कुल सिंपल है, इसको भी हल कर देंगे अपन, देखना ध्यान से। सवाल नंबर चार है सेक थीटा, क्या है सवाल मेरे पास, सेक थीटा और वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और बराबर में क्या लाना है मेरे को, एक लाना है, बराबर में क्या लाना है, एक लाना है। देखिए कैसे करते हैं अपन हल, ध्यान से देखना, ये अपन ने हल किया और पहले लेंगे एल एच एस, लेने पर एल एच एस लेंगे तो एल एच एस क्या है, सेक थीटा वन माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा, देखिए एल एच एस है मेरे पास। अब क्या करते हैं, मैंने आपको कहा पहले अपन सबसे छोटी राशि में चेंज करेंगे, इनको छोटी राशि में चेंज करते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता। देखो सेक को क्या बोलते हैं, एक बटे कोस थीटा, वन माइनस साइन को रहने दो ऐसे कैसे, और सेक को मैंने चेंज कर दिया एक बटे कोस थीटा और टेन को लिख दिया साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या लिखोगे, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है एक बटे कोस थीटा और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब देखते हैं क्या करते हैं अपन, इसको एक से गुणा किया ऊपर आ गया एक माइनस साइन थीटा और बटे में आ गया कोस थीटा, इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या है मेरे पास कोस थीटा, कोस में कोस का भाग दिया क्या बच गया एक, और प्लस आ गया कोस में कोस का भाग दिया एक बच गया, क्या आ गया मेरे पास साइन ए थीटा। ऊपर देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा हो गया, नीचे क्या है दोनों को गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं सबसे छोटी राशि थी साइन और कोस में चेंज कर तो दिया, लाना है मेरे को एक, अब ये कटेगा किसी भी हालत में, कटेगा कैसे देखो ध्यान से, चूंकि मेरे पास एक सर्वसमिका है a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो देखो क्या करते हैं a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो गया ए स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर, बटे में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं क्या करते हैं, ऊपर आ गया a का स्क्वायर एक, कोस साइन का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखवाया है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी क्या लिखेंगे, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, दोनों कट गए बराबर में आ गया एक, और ये क्या आ गया आर एच एस। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सवाल है ये भी, तो ध्यान से इसको उतारिए। तो देखिए बच्चों ये प्रश्न संख्या चार अपने पास कंप्लीट होती हुई, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न, बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिंपल प्रश्न वाला है अपने पास, प्रश्न वाला सात, इसको अच्छे से अध्ययन करें। देखिए प्रश्न वाला पांच है कोसेक स्क्वायर थीटा, पांचवा प्रश्न क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बराबर लाना है cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा। देखो आपको सवाल और हल दोनों सेम ही दिख रहे हैं, इधर भी यही है इधर ये है, लेकिन अंतर क्या है यहाँ पर आ रहा है प्लस, इसका विशेष ध्यान रखें। देखो अपन हल करते हैं और हल करेंगे तो देखो ये सिद्ध करना है, पहले लेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर तो देखिए LHS क्या है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, सेम कंडीशन साइन और कोस में चेंज करिए सारा काम स्वतः ही खत्म। इसको चेंज किया वन बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसको चेंज किया वन बटे कोस स्क्वायर थीटा, तो देखिए दोनों का एलसीएम लिया दोनों ही आ गए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा।
अब भाग देंगे दोनों ही एलसीएम आ गए मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, भाग देंगे इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और इससे ये कटेगा क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां तो अपन ने क्या किया, चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा, और नेक्स्ट क्या लिखा सेक स्क्वायर सेक थीटा बराबर एक बटे में कोस थीटा, इधर ये चेंज किया अपन ने, नीचे क्या लिखेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मैंने आपको लिखवाया मान कितना होता है एक, इसका मान हो गया एक बटे हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, एक कर दिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक बटे साइन स्क्वायर थीटा गुणा एक बटे कोस स्क्वायर थीटा, गुणा ही तो है, इस एक के गुणा में मैंने क्या लगा दिया एक लगा दिया, एक को एक से गुणा करेंगे एक ही आएगा। अब एक बटा साइन को क्या बोलते हैं, एक बटा साइन को बोलते हैं कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और देखो एक बटा साइन को क्या बोलते हैं कोसेक, और एक बटा कोस को बोलते हैं सेक, इसको बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और यही लाना था, ये आ गया अपने पास आर एच एस। तो देखिए ध्यान से ये 500% में अपने पास कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको एक ही तरीका बता रखा है कि सबसे पहले साइन और कोस में अपने को परिवर्तन करना है, ये परिवर्तन हो गया। अब इसके आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, प्रश्न 6 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, प्रश्न 6 क्या है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस है साइन थीटा और बटे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा, और बराबर में लाना है मेरे को क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये देखिए अब आप क्या करते हैं, पहले ये हल करेंगे और क्या लेंगे LHS, LHS लेने पर तो क्या है मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों देखो ये साइन में तो आ गया, अब इसका अपन क्या कर सकते हैं ताकि सेक और माइनस आ जाए टेन, तो देखो जब वर्गमूल की संख्या आ जाए जिसमें अंश और हर दे रखा हो सबसे पहले अपन इसका क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, तो परिमेयकरण होता है हमेशा हर का होता है, अधिकतर किसका होता है हर का होता है, तो हर में क्या है वन प्लस, तो अपन गुणा करेंगे वन माइनस साइन थीटा से, किससे गुणा करेंगे वन माइनस साइन थीटा और बटे में वन माइनस साइन थीटा, क्या लिख दिया परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करेंगे अपन क्या करते हैं देखना, याद रहे जब वर्गमूल की संख्या को वर्गमूल की संख्या से गुणा करते हैं और यदि वर्गमूल में संख्या समान हो तो वर्गमूल हट जाता है, जैसे अंडर रूट तीन को अंडर रूट तीन से गुणा किया कितना आता है मेरे पास तीन, और यदि अंडर रूट तीन को दो से गुणा किया तो ये दोनों गुणा हो जाते हैं और तीन गुणा में दो आ जाता है, जो भी प्राप्त होता है रूट छः हो गया, ये ऐसी कंडीशन है, तो इनको ध्यान में रखें, अब इनको हल कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ये है मेरे पास वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा दोनों रूट में है, रूट हट गया ओनली वन माइनस साइन थीटा आ गया, नीचे क्या किया दोनों अलग अलग हैं दोनों गुणा हो गए वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा। अब क्या करते हैं 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों का फॉर्मूला लग जाएगा, अभी पीछे सवाल में लगाया a प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों का क्या फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे आगे ध्यान से देखना, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं कोस स्क्वायर थीटा, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कोस स्क्वायर थीटा।
अब कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो गया, कोस थीटा, ये हो गया मेरे पास है कोस थीटा हो गया। अब ये दोनों के नीचे लगाएंगे, क्या लिख सकते हैं अपन इसको, एक बटे कोस थीटा और साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो ध्यान से देखना, एक बटे कोस को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, साइन बटे कोस को क्या लिखेंगे टेन थीटा, और बराबर में आ गया अपने पास आर एच एस। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल ये भी सिंपल सवाल है, जब वर्गमूल का आ जाए तो अपन परिमेयकरण सबसे पहले उसका कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट अपने पास सातवां सवाल, रूट में है सेक स्क्वायर थीटा है, क्या है अपने पास रूट में, रूट में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर क्या लाना है अपने को टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो देखिए यहां पर भी अंडर रूट में दे रखा है, अब ये अंश व हर के रूप में नहीं आ रहा, अगर ये अंश व हर के रूप में आता तो अपन इसका क्या करते, परिमेयकरण करते, लेकिन यहां परिमेयकरण नहीं होगा, यहां देखो क्या करते हैं, LHS लेने पर, LHS लेने पर क्या है मेरे पास रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसी को अंदर ही हल करेंगे, क्या होगा सेक को बोलते हैं एक बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक को बोलते हैं एक बटे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का क्या लेंगे LCM, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों LCM आ जाएंगे, कोस से कोस कटेगा साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कटेगा कोस चला जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहां तो आप क्या लिख दोगे, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है वन बटे कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है क्या वन बटे साइन थीटा, और इसमें क्या लिखेंगे अपन, आप ध्यान से देखना, वर्गमूल इन दोनों का स्क्वायर क्या हो गया एक, और नीचे बच गया कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको लिख देंगे अपन, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है, अब आगे क्या करते हैं, इसका वर्गमूल हो गया एक, कोस का वर्गमूल हो गया कोस थीटा और साइन का वर्गमूल हो गया साइन थीटा। अब इसके दो तरीके हैं मेरे पास, अगर हम चाहें तो इसी से वापस ये ला सकते हैं, इसको और हल कर सकते हैं और यार छोड़ सकते हैं इसको, अपन RHS ले सकते हैं अब सीधा। अब देखो अपन RHS को लिया तो क्या करेंगे, RHS लेने पर, RHS लेने पर RHS क्या है टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, क्या करेंगे टेन को बोलते हैं साइन बटे कोस और कोस को बोला जाता है कोस बटे साइन, कोट को बोलते हैं, दोनों का एलसीएम क्या आया कोस थीटा प्लस में, दोनों का एलसीएम क्या आया कोस थीटा और साइन थीटा, कोस से कोस कट गया ये ऊपर गुणा हुआ क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कटा क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान भी क्या होता है एक, तो एक बटे में कोस थीटा और ये हो गया साइन थीटा, दोनों सेम है, क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये हो गया अपना सवाल कंप्लीट। कौन सा सवाल हुआ, सातवां सवाल कंप्लीट होता हुआ, अच्छे से उतारिए इसको। तो देखिए बच्चों प्रश्न संख्या सात कंप्लीट, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आठ आती है अपने पास, आठ क्या है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, आठवां क्वेश्चन है मेरे पास टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, लाना है टेन अल्फा टेन बीटा। तो ध्यान से देखना अब इसको हल करेंगे, यहां पर थीटा की जगह अल्फा बीटा आ गया बस, और कोई दिक्कत नहीं है, हल करेंगे देखना ध्यान से, पहले लेंगे LHS
एल एच एस लिया टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटे में आ गया कोट एल्फा प्लस कोट बीटा। देखो ध्यान से देखना, टेन थीटा को अपन बोलते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब यहां थीटा चाहे कुछ भी आ जाए अपने पास, जैसे टेन एल्फा आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, साइन एल्फा बटे कोस एल्फा। तो मैं इसको लिखा साइन एल्फा बटे कोस एल्फा प्लस टेन बीटा को साइन बीटा बटे कोस बीटा, बटे में क्या हो गया कोस एल्फा बटे साइन एल्फा प्लस कोस बीटा बटे साइन बीटा। अब ये अपन ने परिवर्तन कर दिया किसमें, छोटी राशि में। टेन को परिवर्तन किया किसमें, साइन बटा कोस में, और कोट को परिवर्तन किया किसमें, कोस बटे साइन में। अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आ गया कोस एल्फा और कोस बीटा। कोस एल्फा से एल्फा कट गया, क्या बच गया कोस बीटा, इससे गुणा होगा साइन एल्फा कोस बीटा प्लस बीटा वाले से बीटा कटेगा एल्फा बच गया, तो साइन बीटा कोस एल्फा। ध्यान से देखिए, अब इन दोनों का एलसीएम लिया क्या आया, साइन एल्फा साइन बीटा, साइन एल्फा और साइन बीटा, इससे ये कट गया, बच गया कोस एल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा से बीटा कटा कोस बीटा साइन एल्फा। अब क्या करते हैं, एक दो तीन चार पद आगे, पहला मल्टीप्लाई होगा फोर्थ से और सेकंड होगा थर्ड से, क्या करेंगे देखो ध्यान से, अपन करते हैं पहले को मल्टीप्लाई। पहला क्या है, साइन कोस साइन कोस, साइन एल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस एल्फा, ये पहला है वो गुणा होगा किससे, साइन एल्फा साइन बीटा से, साइन एल्फा साइन बीटा से, बटे में क्या आ गया ये दूसरा पद है जो गुणा होगा तीसरे से, दूसरा पद क्या है कोस एल्फा कोस बीटा, और गुणा किससे हो रहा है ये कोस एल्फा साइन बीटा, कोस एल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा साइन एल्फा, कोस बीटा साइन एल्फा। ध्यान से देखना इधर, साइन बीटा कोस एल्फा, साइन बीटा कोस एल्फा सेम है दोनों, इधर साइन एल्फा कोस बीटा, साइन एल्फा कोस बीटा, ये पूरा पद ऐसे कैसे कट जाएगा, और ऊपर बचेगा मेरे पास साइन एल्फा साइन बीटा और बटे में कोस एल्फा कोस बीटा। तो देखो अल्फा वाला थीटा अलग हो गया, बीटा वाला थीटा अलग हो गया, इधर बच गया मेरे पास साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, उसको बोलते हैं टेन अल्फा, और साइन बीटा बटे कोस बीटा उसको बोलते हैं टेन बीटा, क्या बोलेंगे टेन बीटा, ये हो गया टेन अल्फा। और बराबर में क्या लाना था, ये लाना था, ये आ गया मेरे पास आर एच एस, और ये अपना सवाल बिल्कुल पूरा सिद्ध हो गया। ध्यान से देखिए, ये हो गया मेरे पास आठवां सवाल। अब करते हैं नेक्स्ट, नवे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखना ध्यान से, नवा सवाल अपने पास, देखिए नवा सवाल है वन प्लस साइन थीटा, नवा सवाल क्या है मेरे पास वन प्लस साइन थीटा, और बटे में क्या आ रहा है मेरे पास कोस थीटा प्लस कोस थीटा, प्लस में कोस थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, और बराबर में लाना है क्या टू सेक थीटा, टू सेक थीटा। तो ध्यान से देखना, वही अपन हल करेंगे और LHS लेंगे, LHS लेने पर LHS लिया 1 प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा।
अब यहां ध्यान से सुनना, ये सारी की सारी राशियां छोटी है, सीधा अपना काम रहेगा एलसीएम लेना। इनका एलसीएम लिया, इधर आ गया कोस थीटा और इधर आ गया वन प्लस ए साइन थीटा। कोस से कोस कटेगा, वन प्लस साइन जो है इससे गुणा होगा, तो वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस साइन से वन प्लस साइन कट गया और ये बच गया कोस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर भेज दिया, अब आगे क्या करते हैं, यह देखो एक सर्वसमिका बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस सर्वसमिका का होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए टू ए बी और प्लस ए बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे पास होता है, इसको ध्यान में रखेंगे और यहां पर इसका उपयोग कर देंगे। तो ये क्या है a और ये मेरे पास b, ए स्क्वायर एक का स्क्वायर प्लस दो गुणा ए गुणा में बी और प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा, बटे में आ गया कोस थीटा और वन प्लस साइन थीटा। तो देखिए एक का एक हो गया, एक का स्क्वायर एक, दो एकम दो साइन थीटा, और ये ध्यान से सुनना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, और बटे में क्या चल रहा है कोस थीटा वन प्लस ए साइन थीटा। एक और एक कितना होता है दो, एक और एक दो हो गया, दो प्लस में दो साइन थीटा बटे कोस थीटा और एक प्लस साइन थीटा। दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का कॉमन लिया, दो आ गया एक प्लस ए साइन थीटा और बटे में क्या बच गया कोस थीटा एक प्लस ए साइन थीटा, दोनों कट गए। क्या बचा मेरे पास दो बटे कोस थीटा, और दो बटे कोस थीटा यानी एक बटा कोस को बोलते हैं सेक थीटा, तो दो बटे कोस को क्या बोलेंगे दो सेक थीटा बराबर आर एच एस। जो मैंने फॉर्मूले शुरू में लिखवाए उनको याद रखना अच्छे से, तभी अपने पास सवाल ये पूरे हले हो पाएंगे। तो ये देखो नवा सवाल अपने पास कंप्लीट होता हुआ, बिल्कुल इजी सवाल है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं अपन दसवें सवाल की तरफ। तो दसवें सवाल है अपने पास, ध्यान से देखना, दसवां सवाल क्या है साइन फोर थीटा माइनस कोस फोर थीटा, साइन फोर थीटा माइनस कोस फोर थीटा बटे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर में लाना है मेरे को एक लाना है। तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल इजी सवाल है, इस प्रश्न वाले में किसी सवाल को हार्ड नहीं समझे, बस आपको केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद तो सारे सवाल कंप्लीट। ऊपर देखो कैसे करते हैं, अब अपन LHS लिया और LHS लेंगे साइन फोर थीटा माइनस कोस फोर थीटा बटे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर में चार लग रहा पावर में, चार को अपन बदलेंगे दो में चेंज करेंगे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे में जो कहते हैं उतार देंगे, कोई नो चेंज। देखो ध्यान से, जब घात की भी घात होती है दो दुनी चार, दो दुनी चार हो गया। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि सर्वसमिका है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या करेंगे देखना, एक बार प्लस लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और एक बार माइनस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां तो मेरे पास ए प्लस बी आ रहा है और ए मेरे पास साइन स्क्वायर ही था,
लिख दिया। बी मेरे पास कोस स्क्वायर है और नीचे क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों कट गए। बच गया क्या मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा क्या बच गया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास बचा और इसका मान होता है एक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक होता है, और एक ही लाना था, बराबर आर एच एस अपने पास आ गया। ध्यान से देखो, ये दसवां सवाल अपने पास हो गया, ये भी बिल्कुल सिंपल था। क्या किया मैंने, इस चार को बदला, केवल स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ दिया, सर्वसमिका मेरे पास लग गई, लगने के बाद मेरे पास आंसर है आ गया। ये प्रश्न संख्या 10 अपनी कंप्लीट होती गई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है मेरे पास, ध्यान से सुनना, कोट थीटा माइनस टेन थीटा, प्रश्न 11 है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में लाना है साइन थीटा कोस थीटा। तो ध्यान से देखना, LHS लेंगे वो इसमें, LHS लेने पर तो देखो कैसे करते हैं, यहां पर है कोट थीटा माइनस टेन थीटा, तो सीधी सी बात क्या है कि सबसे पहली जो अपनी राशि आई साइन और कोस, उसमें अपन इसको परिवर्तन कर देंगे। तो देखो LHS लिया, LHS क्या है मेरे पास, कोट थीटा माइनस टेन थीटा, ये LHS मैंने ले लिया। अब इसको मैं परिवर्तन कर देता हूं, कोट को बोलते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस टेन को बोलते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। इन दोनों का एलसीएम लिया, साइन और कोस दोनों आ गए, साइन थीटा और कोस थीटा दोनों एलसीएम आए, साइन से साइन कटा, क्या बच गया कोस थीटा, कोस को कोस से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस कोस को कोस कट गया, साइन बचा, इसकी जगह लिख दिया मैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं क्या करते हैं, ऊपर लाना है मेरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। यहां ध्यान से देखना, इस सवाल में मिसप्रिंट है थोड़ा, इसको लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने को सिद्ध करना है। तो यहां देखो कोस स्क्वायर थीटा ऊपर से गायब है, गायब है, तो इसकी जगह क्या लाना है मेरे को, टोटल साइन में पद लाना है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है एक, कोस स्क्वायर थीटा बराबर है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं रख देता हूं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या था साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा और कोस थीटा, एक का एक आ गया, साइन और साइन दोनों ऐड हो गए, दो साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में आ गया साइन थीटा और कोस थीटा, ये हो गया मेरे पास RHS, ये लाना था। देखो अपन ने क्या किया, कोट को चेंज किया कोस बटा साइन, टेन को चेंज किया साइन बटा कोस, LCM लिया, हल किया, टोटल अपना आंसर आ गया। बस इस सर्वसमिका का उपयोग किया, ऊपर जो किया अपन यहां लिख देंगे, ये अपना RHS आ गया कंप्लीट। अब ध्यान से देखो, ये 11वां सवाल कंप्लीट होता हुआ, नेक्स्ट चलते हैं 12वां सवाल। नेक्स्ट है 12वां सवाल, देखना ध्यान से, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा और इक्वल में लाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, ये भी बिल्कुल इजी सवाल है, इसका भी हल करते हैं, और पहले अपन क्या लेंगे LHS, कोस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। देखिए बच्चों, 4 में पावर में 4 का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अपन इसको पहले बदलेंगे स्क्वायर में। तो अपन ने क्या किया, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर।
तो ध्यान से देखो, ये मैंने कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इसको खोल तो दिया, लेकिन मेरे पास अब आगे इसका भी फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। अगर है तो इसका फॉर्मूला मैं सीधा लिख सकता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये होता है एक फॉर्मूला। अपन चाहें तो सीधा इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। क्या ए तो मेरे पास हो गया कोस स्क्वायर थीटा, बी मेरे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके मैं दोनों तरीके कराता हूं आपको, ध्यान से देखना। प्रथम तरीका मैंने किया तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा, और बी क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या करना है मुझे, स्क्वायर माइनस दो गुणा ए बी। ए क्या है कोस स्क्वायर थीटा और बी क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, एक का स्क्वायर दो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखो ध्यान से, एक का स्क्वायर एक हो गया, दो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास आंसर आ गया। यही लाना था, ये का ये आ रहा है, जैसे आ गया। देखो ये गुणा में कोस आगे पीछे कहीं भी रखा जा सकता है। अब देखो ये अपने पास आ रहा है, जैसा आ गया। ये मैंने तरीका कराया आपको, पहला तरीका। अगर सेकेंड तरीका है आपके, यदि सर्वसमिका याद नहीं है तो देखो इसका दूसरा तरीका भी अपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपने पास है, ध्यान से देखना। इसमें मैंने क्या किया, इसमें कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर जो था, इसमें मैंने एक बार तो जोड़ा टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार घटाया टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो एक बार जोड़ा है उसी संख्या को, एक बार घटाया उसी संख्या को, कट जाएंगे दोनों वापस, ये का यही आ जाएगा। लेकिन अपन सूत्र बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए इसको अपन ने उपयोग लिया। अब ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से लेके यहां तक तो ये फॉर्मूला बन गया, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है, एक, एक का स्क्वायर, और ये हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कोस, ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरे पास आर एच एस। अब देखो ये बारहवें सवाल के मैंने आपको दो तरीके करवा दिए, दोनों ही इजी है। अब एक नेक्स्ट सवाल करते हैं अपन, और तेरहवां सवाल, अगला सवाल क्या है मेरे पास, सवाल नंबर तेरह, ध्यान से देखना। सवाल नंबर तेरह है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा है, और इसका अगला है कोट प्लस टेन थीटा, और अपने को सिद्ध करना है क्या, टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। ध्यान से सुनना बच्चों, इसको हल करते हैं अपन। हल करेंगे तो क्या लेंगे, एल एच एस लेंगे। एल एच एस क्या है मेरे पास, सेक थीटा कोस थीटा कोट थीटा और प्लस में टेन थीटा। ध्यान से सुनना, ये भी बड़ा इजी है। सेक को मैं लिख सकता हूं वन बटे कोस थीटा, कोस छोटी राशि में है, पहले ही छोड़ दो इसको। तो आगे क्या करते हैं, कोट को लिख दिया कोस बटे साइन, कोस बटे में साइन, टेन को लिख दिया साइन बटे कोस। अब देखो आगे क्या करते हैं, इसके नीचे लगाया मैं क्या, एक लगाया, दोनों का एलसीएम कितना आया, कोस थीटा आया। कोस से कोस कटेगा, ये बचेगा एक, ऊपर जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इधर एलसीएम लिया दोनों का साइन थीटा और कोस थीटा। साइन से साइन कटा, कोस ऊपर चला गया कोस स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कटा साइन ऊपर चला गया साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। वन माइनस कोस स्क्वायर को बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है कोस थीटा, गुणा इन दोनों का मान होता है एक, और बटे है साइन थीटा और कोस थीटा। अब क्या करते हैं, एक साइन से एक साइन मेरे पास है, कट गया और यह आ गया एक ऊपर आ गया साइन थीटा बटे कोस थीटा, और गुणा में आ गया एक बटे कोस थीटा। अब देखिए साइन बटे कोस आया है इसको लिखते हैं टेन थीटा, और एक बटा कोस आया है इसको लिखेंगे सेक थीटा, और ये लाना था ये आ गया अपने पास आर एच एस। तो देखो ये 13वां सवाल कंप्लीट हो गया। तो देखिए बच्चों आज की इस वीडियो में अपन प्रश्न वाला 7 के 13 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अगले प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैथ की वीडियो पढ़ने के लिए आपको मिल सके। धन्यवाद।